ओम शांति दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विंगिंग ऑफ स्केपुला के विषय में, कि विंगिंग ऑफ स्केपुला क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, कितने तरह का होता है और कैसे हम सेल्फ एग्जामिन करें कि कहीं विंगिंग ऑफ स्केपुला मुझे तो नहीं है, और है तो किस तरह का है, इसका कारण क्या है और इसका इलाज क्या है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें दोस्तों कि विंगिंग ऑफ स्केपुला में दिक्कत क्या आती है। तो जो विंगिंग ऑफ स्केपुला में दोस्तों कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं, बताते हैं कि डॉक्टर साहब एक कंधा मेरा थोड़ा डाउन लग रहा है, या फिर बताते हैं कि जब मैं वजन उठाता हूं तो हमारे हाथ कांपने लगता है, या फिर ये हमारा पीछे का जो एरिया है स्केपुला का, ये जो आप देख रहे हैं ये स्केपुला बोलते हैं, स्केपुला का एरिया में बराबर नहीं लगता है, हल्का हल्का सा पेन बना रहता है, जब मैं कोई एक्टिविटी करता हूं तो मुझे लगता है कि यहां पे एसिमेट्रिकल लगता है, बराबर नहीं लगता है। और कई बार दोस्तों लोग बताते हैं कि जब ज्यादातर प्रॉब्लम जिनको होती है कि वो 120 डिग्री ये जो है ना इसके ऊपर उठाने में इनके हाथ का पावर बिल्कुल कम हो जाता है, या फिर साइड से ऊपर उठाने में दिक्कत होती है। कई बार तो लोग ये भी बताते हैं कि डॉक्टर साहब वजन ले गया, जब नीचे लाता हूं ना तो हाथ से लगता है कि छूट जाएगा, पावर नहीं लगता और पीछे कुछ भारीपन सा लगता है, पेन सा बना रहता है। तो दोस्तों यदि इस तरह की प्रॉब्लम आपको है तो डेफिनेटली ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, बिकॉज मे बी ये हो सकता है कि विंगिंग ऑफ स्केपुला की प्रॉब्लम हो, बिकॉज विंगिंग ऑफ स्केपुला बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ही इस समय देखने को मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि विंगिंग ऑफ स्केपुला होता क्या है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे स्पाइन में पीछे दो स्केपुला दिख रहे हैं साइड में, दोनों हाथ के पीछे। और यदि स्केपुला की बात करें दोस्तों तो थोड़ा इसके विषय में जानना जरूरी है, क्योंकि आगे कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करेंगे जो आपको पता होना चाहिए। ये जो स्केपुला है ये इधर शोल्डर से जुड़ा हुआ है, ऊपर ये क्लेविकल बोन से जुड़ा हुआ है, और आगे के तरफ से दोस्तों ये पीछे हमारे थोरेसिक केस से जुड़ा हुआ है, और ये हमको पूरा ऊपर नीचे अंदर बाहर मीडियल और लेटरल मूव करता है और इसको मूवमेंट करने में काफी हेल्प करता है। तो दोस्तों यदि मैं स्केपुला की बात करूं तो इसको हम मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला बोलते हैं, इसको लेटरल बॉर्डर ऑफ स्केपुला बोलते हैं, और जो ऊपर वाला है इसको सुपीरियर एंगल ऑफ स्केपुला बोलते हैं दोस्तों, और इसको मीडियल सुपीरियर एंगल बोलते हैं, इसको इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला बोलते हैं दोस्तों। तो अब जो बात आती है कि ये जो हमारा स्केपुला है ये हमारे शोल्डर को 120 डिग्री से ऊपर जब हम उठाते हैं या 90 डिग्री से ऊपर उठाते हैं साइड में, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और इसको होल्ड करने के लिए बहुत सारी मांसपेशियां हैं। लेकिन यदि मैं स्पेशली दोस्तों बात करूं तो तीन मांसपेशी जो है ना, मेन ग्रुप जो है जो हमारे स्केपुला को होल्ड करता है वेट उठाने में और घुमाने में, उसमें किसी भी वजह से यदि वीकनेस आ जाती है, चाहे वो मसल की वजह से वीकनेस हो, ट्रॉमा की वजह से वीकनेस हो, या फिर न्यूरोलॉजिकल वजह से वीकनेस हो, जैसे कि कभी गर्दन में नस दब गई है, ज़्यादातर केसेस में हम लोग देखते हैं कि नेक में कंप्रेशन हो गया, हम जाते हैं तो ज़्यादातर जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम क्या चेक करते हैं कि ग्रिपिंग है कि नहीं है, मुट्ठी बंद करिए देखें, मुट्ठी बंद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, एल्बो को मोड़िए, एल्बो को सीधा करिए, शोल्डर को ऊपर उठाइए, शोल्डर को नीचे लाइए, चेक करते हैं दोस्तों। लेकिन कभी हम स्केपुला के मूवमेंट को ज्यादा तरजीह नहीं देते हैं। यदि मैं बताऊं आपको कि जो विंगिंग ऑफ स्केपुला होता है ये दो तरीके का होता है। पहला, हमारा जो ये स्केपुला है या तो ये मीडियल को डिस्प्लेस हो जाता है या फिर ये लेटरल को डिस्प्लेस कर जाता है। यदि मीडियल को डिस्प्लेस करता है दोस्तों तो वो सेरेटस एंटीरियर मसल की वजह से डिस्प्लेस करता है। सेरेटस एंटीरियर मसल की सप्लाई हमारी लॉन्ग थोरेसिक नर्व करती है जो C5, C6, C7 से निकलती है। इसके अलावा दोस्तों यदि ये विंगिंग जो है ना जो हमारा, या यदि ये लेटरल को शिफ्ट कर जाता है और यदि ये सुपीरियर एंगल शिफ्ट कर जाता है तो ये कारण होता है दोस्तों ट्रेपेजियस मसल की वजह से। तो यदि ट्रेपेजियस मसल में वीकनेस आती है या स्पाइनल एसेसरी नर्व इसको सप्लाई करती है, किसको, ट्रेपेजियस मसल को, जिसकी ओरिजिनेशन C1 से C5 के बीच से होती है, वो हमारे ट्रेपेजियस मसल की सप्लाई करती है। तो दोस्तों यदि वो नर्व में किसी भी तरह का कंप्रेशन आ जाए या प्रॉब्लम हो जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए तो ये प्रॉब्लम में आ जाता है, या फिर किसी भी वजह से डेल्टॉइड मसल में एट्रॉफी हो जाए, मसल में वीकनेस हो जाए, मस्कुलर इंजरी हो जाए, तो ये लेटरल
होने लगता है। जो पहला तो यदि मैं बोलूं सुपीरियर एंगल बाहर की तरफ गया तो ट्रेपेजियस, लेकिन कुछ केसेस में दोस्तों देखते हैं कि इंफीरियर एंगल लेटरल जाने लगता है और इसका कारण होता है हमारा रोम्बॉइड मसल की वीकनेस। दोस्तों जो हमारी रोम्बॉइड मसल होती है उसको डॉर्सल स्केपुलर नर्व सप्लाई करती है दोस्तों, तो यदि उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए, इंजरी आ जाए, कंप्रेशन आ जाए या फिर रोम्बॉइड मसल की वीकनेस हो जाए तो हमारा क्या होता है, हमारा ये जो लोअर इंफीरियर हमारा स्केपुला है ये लेटरली शिफ्ट होने लगता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि विंगिंग ऑफ स्केपुला दो तरह का हो गया, मीडियल और लेटरल। और इसमें भी यदि लेटरल की बात करें तो ऊपर का एंगल यदि डिस्प्लेस हो रहा है तो ट्रैपेजियस की वजह से, और नीचे का यदि डिस्प्लेस हो रहा है तो हमारा रोम्बॉइड की वजह से हो रहा है। अब बात आती है दोस्तों कि इसको हम एग्जामिन कैसे करते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हर मसल की सप्लाई अलग है, तो फिजियोथेरेपी में दोस्तों दो सबसे इंपॉर्टेंट, पहला फिजिकल टेस्ट, और यदि मैं दूसरे की बात करूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पल्पिटेशन, कि हम मसल को पल्पेट करते हैं, पेन का लेवल चेक करते हैं, मसल की गर्थ चेक करते हैं, दोनों को सिमेट्रिकल देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों नर्व कंडक्शन स्टडी से भी हम पता कर सकते हैं। तो यदि इसके कारण की बात करूं तो दो तरह की प्रॉब्लम हो गई, एक तो न्यूरोजेनिक हो गया जो न्यूरो से रिलेटेड हो गया, दूसरा मस्कुलर हो गया, और तीसरा एडियोपैथी के दोस्तों कई बार डोमिनेंट हैंड किसी का कोई है या एक्टिविटी ऐसी है या हॉबी ऐसी है जिसमें कि मसल ओवर यूज हो रही है या फिर इंबैलेंस क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी ज्यादा वेट उठाने की वजह से भी मसल इंजरी हो जाती है। तो दोस्तों ये बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसका फिजिकल टेस्ट कैसे करें। सबसे जो सिंपल टेस्ट होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं वॉल प्रेसिंग टेस्ट, जिसमें कि दोनों हाथ लिए वॉल पे और प्रेस किए और रिलीज करें। आप देखेंगे कि यदि न्यूरोलॉजिकल वजह से होगा तो सेरेटस इंटीरियर पूरी तरीके से यदि पैरालाइज है तो मीडियल साइड ऑफ स्केपुला पूरा ऊपर उठ के अंदर को शिफ्ट हो जाएगा। यदि मस्कुलर है तो थोड़ा कम दिखता है। सेकेंडरी दोस्तों यदि मैं बात करूं लेटरल विंगिंग ऑफ स्केपुला की, तो इसमें हम शोल्डर को अबडक्ट करते हैं और जब 90 डिग्री से ऊपर उठाते हैं ये ध्यान रखते हैं कि ऐसे में हमारा जो थम है ये ऊपर की तरफ, मतलब पाम अपसाइड हो, यानी कि हमारा स्केपुला एक्सटर्नल रोटेशन हो। और अबडक्शन जब हम करते हैं तो दोस्तों 90 डिग्री से ऊपर उठाने में विंगिंग दिखने लगती है और प्रेशर ज़्यादा फील होने लगता है। इसी तरह से दोस्तों यदि रोम्बॉइड मसल की वीकनेस होती है तो हम फ्लैक्शन से एक्सटेंशन के तरफ लेके आते हैं रेजिस्टेंस के साथ, और इसमें ध्यान रखते हैं कि हमारा जो थम है ये नीचे की तरफ हो, यानी कि हमारा शोल्डर का जो है ना इंटरनल रोटेशन हो। और नीचे की तरफ जब हम लाते हैं दोस्तों तो हम देखते हैं प्रेशर के साथ कि हमारा इंफीरियर बॉर्डर ऑफ स्केपुला का जो एरिया है वो विंगिंग हो रहा है। ज्यादातर दोस्तों ट्रेपेजियस और रोम्बॉइड में जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है वो माइल्ड टू मॉडरेट होता है और कम देखने को मिलता है कंपेयर टू मीडियल। अब बात आती है दोस्तों कि इसका इलाज क्या है। दोस्तों 80% केसेस में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, रिहेबिलिटेशन का बहुत ही अच्छा रोल है, एक्सरसाइज का बहुत ही अच्छा रोल है। इसके अलावा दोस्तों टेपिंग हो गई, टेपिंग से भी काफी अच्छा हेल्प मिलता है, ब्रेसिंग से बहुत अच्छा हेल्प मिलता है, या फिर कुछ एनाल्जेसिक मेडिसिन होती ये जो हमारे फिजिशियन या ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रिस्क्राइब करते हैं, या यदि न्यूरोजेनिक है तो नर्व से रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है जो हमारे न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा यदि दोस्तों ऑपरेटिंग की बात करें तो बहुत ही रेयर केस में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और बहुत ही कम केस में ऑपरेटिव मैनेजमेंट होता है, जिसमें कि न्यूरोलाइसिस हो गई, नर्व ग्राफ्टिंग हो गई, मसल ट्रांसफर हो गए। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ये चूंकि बहुत ही वास्ट टॉपिक है, नेक्स्ट में हम लोग बताएंगे कि अलग अलग केसेस में मीडियल विंगिंग है, किस तरह का ट्रीटमेंट प्लान करना है, किस तरह की एक्सरसाइज प्लान करनी है, क्या प्रिकॉशंस लेना है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।